भारतीय किसान संघ ने मनाई बलराम जयंती। किसानों की समस्याओं को लेकर पीएम सीएम के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। खबर शिवपुरी जिले के पोहरी से है। भारतीय किसान संघ तहसील पोहरी ने सोमवार को बलराम जयंती और किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि भारतीय किसान संघ देश भर में विभिन्न दिनांकों में भगवान बलराम की जयंती मनाई जा रही है और इसी क्रम में पोहरी में भी कार्यक्रम आयोजित कर तहसील क्षेत्र के किसानों की खरीफ की फसल के ओलावृष्टि से बर्बाद होने पर नुकसान की भरपाई और बीमा राशि और खाद की समस्या सहित मवेशियों के द्वारा फसल नुकसान पर मवेशियों को गौशाला में व्यवस्थित करने और सोयाबीन का मूल्य 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने सहित कई बिंदुओं के साथ ही पीएम सीएम के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार पोहरी प्रमोद सिंह तोमर को सौंपा गया। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज आप लोगों को एसडीएम कार्यालय आए हो, किस लिए आए हो, क्या कुछ आप लोगों की मांग थी, वो क्या कुछ मांग है आपकी? भारतीय किसान संघ द्वारा देश भर में 2 तारीख से 12 सितंबर तक प्रत्येक तहसील स्तर पर बलराम जयंती मनाई जा रही है। बलराम जयंती के उपलक्ष्य में क्षेत्र की खेती किसानी की समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। आज के ज्ञापन में मुख्य प्रारूप था अपना कि हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक राज्य है, तो जो वास्तविक जो लागत किसान की हो रही है, लागत के अनुरूप मूल्य नहीं मिल पा रहा। तो माननीय प्रधानमंत्री से हमने विषय रखा है ज्ञापन के माध्यम से कि किसान को प्रति कुंटल 6,000 रुपये सोयाबीन के भाव दिए जाए। दूसरा विषय था अपना लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। तीसरा विषय था अपना किसानों को जंगली और आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए तार फेंसिंग पर 80% अनुदान दिया जाए। चौथा विषय अपना पोहरी का नहीं, बैराड़ का नहीं, पूरे जिले का ही है खाद का, इसमें सबसे बड़ी समस्या है भिषभ पोहरी और बैराड़ की। पोहरी में हमने देखा 1-1 किलोमीटर तक लंबी लाइनें खाद के लिए, किसानों को पता लगता 5 गाड़ी खाद की आई हुई है और सुबह किसान खाद लेने आए तो मालूम चला रात में खाद बिछ गया। अब वो खाद कहाँ बिछ गया, यहाँ के विक्रेताओं के द्वारा, विपणन के विक्रेताओं के द्वारा वो खाद कहाँ बिछ गया मालूम नहीं चला। वही खाद तीसरे दिन किसान को 1200 रुपये का DAP 1800 मिल रहा है और 275 का यूरिया वही विपणन के माध्यम से ब्लैक करके वही ब्लैक में किसानों को 500 को मिलता है। और यहाँ का प्रशासन अखंड, मैं हम भारतीय किसान संघ प्रति पीछे 6 महीने से लगातार अवगत कराते आ रहे हैं प्रशासन को कि एक प्रश्नारी, हम देसी भाषा में कहेंगे गांव की, 30 वर्ष पहले एक बिना पढ़ी लिखी महिला बरसात के 4 महीने के लिए आटा पीस के रख लेती थी। उसे पता है कि हमारे परिवार में कितना आटा लगेगा? क्या प्रशासन को मालूम नहीं है कि रवि और खरीफ में कितनी यहाँ बोवनी हो रही है क्षेत्र में, तो कितना किसान को खाद लगेगा? क्या पहले उपलब्ध नहीं हो सकता? जो भी आता है सारा ब्लॉक कर दिया जाता है, किसान को 1800 रुपये में दिया जाता है DAP।